तो दोस्तों मुझे सिलवाना है अपने कपड़े और मेरे पास ये अभी कुर्ते पजामे का कपड़ा, और भोपाल में जो भी टेलर सबसे तेज़ सबसे कम वक्त में मेरे कपड़े सी सकता है तो मैं उसी के पास जाकर अपने कपड़े सिलवाने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं आज की वीडियो में कौन है आखिर वो फास्ट टेलर। तो दोस्तों अक्सर होता क्या है ना कि हम कहीं पर भी दर्जी के पास जाते हैं कपड़े सिलवाने के लिए, तो वो हमें टाइम दे देते हैं कि भाई हमें कम से कम 2 दिन का टाइम चाहिए या 3 दिन का टाइम चाहिए। तो बस बैठे बैठे सोच रहा था क्यों ना अपन ट्रायल करते हैं भोपाल में कोई फास्ट टेलर है क्या, तो इसलिए मैंने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी अगर किसी की नज़र में कोई ऐसे टेलर हो, अगर किसी की नज़र में कोई इस तरह के टेलर हो जो फास्ट तुरंत कपड़े सीकर दे सकते हैं तो मुझे सजेस्ट करें। तो काफ़ी सारे लोगों के सजेशंस आए थे, तो जिसमें कुछ लोगों से कॉन्टेक्ट किया तो उन्होंने कहा कि भाई हमें 2 दिन का टाइम चाहिए, किसी ने कहा 1 दिन का टाइम चाहिए, तो कम से कम टाइम आया था कि भाई किसी ने कहा 4-5 घंटे, तो उन्हीं में से एक ने कहा कि भाई हम आपको 1 घंटे में भी कपड़े सिलकर दे सकते हैं। तो चलिए सोचा क्यों ना उन्हीं के पास चलते हैं अपन और उन्हीं से सिलवा कर देखते हैं क्या वाकई में वो हमें 1 घंटे में अपने कपड़े तैयार करके दे सकते हैं क्या। तो चलिए निकलते हैं फिर, अपन ने रखनी यहाँ पर कपड़े हैं साथ में और अपनी बुलबुल तैयार है चलने के लिए, चलें। चलो ठीक है, ओके। तो दोस्तों अभी हमें VIP रोड के ऊपर, आप मैंने सोचा आप लोगों को नज़ारे दिखा दूँ। यहाँ पर देखिए काफ़ी शानदार मौसम हो रहा है और बादल हो रहे हैं थोड़े थोड़े ऊपर और चारों तरफ कोहरा हो रहा है, काफ़ी शानदार लग रहा है यहाँ का नज़ारा। इसलिए हम आ चुके हैं यहाँ पर इब्राहिमपुर में अपना शाही पहनावा, ये देख रहे हैं शाही पहनावा शॉप है, इन्हीं के पास चलते हैं और फिर इन्हीं से देखते हैं भाई कितने कम टाइम में ये सीकर अपन को दे सकते हैं। चलिए सलीम भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई, आप ही से बात हुई थी ना मेरी? जी भाई। तो भाई ये रहे अपने कपड़े, ये बनना है अपना कुर्ता और पजामा, इसका कुर्ता रहेगा और इसका पजामा है। तो दोस्तों मैंने सलीम भाई से कहा था कि भाई आप 1 घंटे का टाइम दे रहे हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा कि आप कम से कम यार आधा घंटा ट्राई करने में क्या जाता, आधे घंटे में अगर तैयार हो जाते तो काफी कमाल की बात होगी कि यार इतने कम वक्त में कोई अपने कपड़े तैयार करके दे सकता है। तो चलिए रेडी करते हैं, तो तैयार करते हैं, तो अपना टाइम कब शुरू होगा? चलिए सबसे पहले अपन इनको नाप दे देते हैं अपना, नाप देने के बाद फिर जब इनके हाथ में कपड़ा जाएगा काटना और तैयार करना पूरा टाइमिंग उसी में इंक्लूड करते हैं अपन। हाँ चलिए दोस्तों कंप्लीट हो गया अपना नाप, ये रहा अपना पूरा बॉडी का और कहते हैं कुर्ते का और ही पजामे का नाप है ना। चलिए कंप्लीट हो चुका, अब चलिए तैयारी हो रही है कपड़ा कटने की, तो चलिए अपन टाइम भी आपको दिखा देते हैं। और ये देखिए कपड़ा कटिंग शुरू हो चुकी है और टाइम अपन देखते हैं, अब स्टार्टिंग होता है भाई का टाइम 5:33 हो रहा है, यानी कि 5:30 कम्प्लीट। तो भाई कितना टाइम लगेगा कटिंग में आपको? 8 मिनट कटिंग में लगने वाले हैं अभी। चलिए दोस्तों जब तक अपनी कटिंग चल रही है जब तक आपको पूरी दुकान घुमाते हैं भाई के पास क्या क्या अवेलेबल है। सलीम भाई अपने पास और क्या क्या सिलते हैं अपन, क्या क्या मेन काम है? जैसे यहाँ पर खड़ा हुआ तैयार किया हुआ है जी, बना हुआ इनके भाई का। अच्छा जी, कौन सा सूट कहलाता है ये वाला? ये 2 पीस है भाई, 2 पीस जी। आते हैं और क्या क्या है भाई के पास? आप ये देखिए सारी अपनी रेडीमेड शेरवानी से। अच्छा रेडीमेड सारी शेरवानी आप यहाँ से भी ले सकते हैं, तो ये काफी अच्छी अच्छी शेरवानी और कितना सारा कलेक्शन है, यहाँ से लेकर वहाँ तक देखेंगे और नीचे भी काफी सारा लगा हुआ है और इधर भी देखेंगे आप। इधर क्या है? फैब्रिक है ये सब, इसमें पूरा फैब्रिक का आइटम है, 3 पीस का फैब्रिक है और इस साइड आगे ये थोड़ा सा शाइन में है, ये सब रेडीमेड शेरवानी है। हाँ ये टाइल का कलेक्शन इस साइड पूरा, टाइज वगैरह भी यहाँ पर देखिए काफी सारा कलेक्शन लगा हुआ है टाइज का, और इसके अलावा ये जो है साइड शेरवानी का फैब्रिक है पूरा। अच्छा पूरा फैब्रिक शेरवानी का, यहाँ से आप आकर आराम से पसंद करो और यहीं पर आपका कंप्लीट रेडी हो जाता है, कंप्लीट रेडी हो जाता है। अच्छा शेरवानी में कितना टाइम लगता है सिलने में? शेरवानी में भाई जैसे अगर प्लेन शेरवानी जो होती है तो उसके अंदर मैक्सिमम टाइम अपना 5 घंटे वेडिंग पर्पस के हिसाब से। अच्छा वेडिंग के हिसाब से ना, सिंपल टाइप में थोड़ा और इससे हटके कुछ डिजाइनर जैसे ये शेरवानी बनती है डिजाइनर में जी, ये डिजाइन में निकला और एक और डिजाइनर शेरवानी। ये देखिए यहाँ पे हमें नजर आ रहा है काफी शानदार कपड़ा, भाई इसका क्या बनाते हैं अपन?
ये भाई इसका ब्लेजर और शेरवानी दोनों बन जाती है। ब्लेजर और शेरवानी, ये देखिए हर एक लाइन जो है इसकी ये पूरी अलग है। जैसे ये जा रहा है, ये जा रहा है, तो ये स्लिप्स में भी मैच इस टाइप से करना बहुत मुश्किल होता है। ये अच्छा, ये देखिए ये जो स्लिप्स में भी मैच हो रहा है, तो ये बहुत मुश्किल होता है। ये जोधपुरी पैटर्न बना हुआ है भाई, जोधपुरी में शानदार लग रहा है। इसको तैयार करने में कितना टाइम लगता है भाई? भाई 3 से 4 घंटे। 3 से 4 घंटे में आप रेडी करके दे देता है। ये कौन सा है भाई? जोधपुरी सूट है। ये जोधपुरी काफी अच्छा लग रहा है भाई पहने हुए यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पे अपने पजामे का कट रहा है भाई। पजामे कट रहा है, कुर्ता आपसे सही। चलिए पजामे की कटिंग चलिए। वो कौन सा पजामा कट रहा है भैया? ये जो पेंट होती है ना आपकी, भोपाली पजामा। भोपाली पजामे बेल्ट कट वाला। तो चलिए दोस्तों अपने कपड़े सिलना शुरू हो चुके हैं। अंदर से कारखाने में चलते हैं, देखते हैं आखिर किस किस तरह से सिल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पर अभी प्रेसिंग हो रही है। किस चीज़ को हो रही है भाई? भाई ये बेल्ट, कमर पर जो बेल्ट लगता है। अच्छा, कमर पे जो बेल्ट लगता है उसकी अभी आप क्या लगाए इसके अंदर? बकरम वगैरह, बकरम रख के उसको प्रेस कर रहे हैं। तो ये चिपक जाता है प्रेस करने से? पूरा फिटिंग से चिपक जाता है। अच्छा, फिटिंग काफी आसान है ना। हाँ हाँ। और यहाँ पे चल रही है अपनी कुर्ते की सिलाई। अभी क्या सिल रहे हैं कुर्ते? कुर्ते में क्या? ताबीज। ताबीज, ताबीज। हाँ, सामने का ताबीज। अच्छा, ताबीज के लाता है। चलिए क्या पहना हुआ भाई अभी आपने? ये भाई इंडो वेस्टर्न शेरवानी। इंडो वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न शेरवानी। इंडो वेस्टर्न शेरवानी काफी अच्छी लग रही है। पेंट पे काफी अलग अलग चेंज कर करके आ रहे हैं भाई। काफी अच्छी लग रही है चीज। क्या है ये? ब्रॉच। ब्रॉच, और काफी सारे ब्रॉच भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं हमारे लिए। शानदार लगने वाली है आपको, है ना? कोई पकड़ लेगा। चश्मा बना हुआ है इसके ऊपर और ये स्टार है पुलिस वालों की तरह। एक और ग्लास नजर आया हमारे, मूछें भी नजर आ रही है यहाँ पे। अभी अपने यहाँ पे चल रहा है पजामा। मुझे मशीन काफी वो लग रही है एडवांस। कौन सी मशीन है भाई ये? जोजे की जुग्गी मशीन है, जापानीज है। जापानीज, क्या क्या खासियत है इसमें? हाँ, इसमें स्पीड कंट्रोलिंग वगैरह दी हुई है, स्पीड वगैरह सेट कर सकते हैं यहाँ पर आप। अच्छा, टोटल डिस्प्ले से भी चलता है ये? देखिए साहब, मशीनें भी काफी एडवांस हो गई हैं। आपको ये क्या टाइम हुआ भाई यहाँ पे? भाई ये प्रेस की बॉटल है, प्रेस में पानी चलता है। अरे अच्छा, प्रेस में गई हुई। देखिए बॉटल प्रेस है, स्टीम वाली प्रेस है भाई। यहाँ से पानी आता है और यहाँ से अंदर जाता है। जब ये प्रेस करते हैं साथ में धुआं भी निकलता है इससे। ये देखिए साहब, धुआं निकलना शुरू। इससे क्या फायदा होता है भाई? तो आसानी से बिना जले क्लियर हो जाता है वो। और यहाँ पर खड़ा हूँ अपने सलीम भाई के छोटे भाई। क्या नाम है भाई आपका? अरहान। अरहान भाई, आप भी टेलरिंग सीख रहा हो क्या? हाँ नहीं। बड़ोगे क्या बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर? अरे माशाल्लाह काफी अच्छी। अभी थोड़ा बहुत तो आता होगा काम यहाँ पर आपको? क्या क्या कर लेते हो? सिलाई में धागा डाल लेते हैं, चला लेते हैं। अच्छा, सिलाई में यानी मशीन में धागा डाल लेते हैं हम। बढ़िया। और यहाँ पर शूट चल रहा था, यहाँ पर कुछ कस्टमर आए तो उनमें से एक सब्सक्राइबर निकले हैं भाई। क्या नाम बताए भाई आपने? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ भाई कहाँ से आप? बाड़ी से। कहाँ से? बाड़ी रायसेन। बाड़ी रायसेन जी। काफी बड़ी, कब से देख रहे हैं आप? काफी टाइम हुआ है। अरे बहुत बहुत शुक्रिया भाई। ये भी आई, क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम आशीष। आशीष भाई यही शॉप के ऊपर ही रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि ये इन्होंने भी काफी सारी वीडियोस देखी हैं। बकरे की देखी है? अच्छा, आपने भी देखी। आपका नाम क्या? मोहम्मद खिजर। मोहम्मद खिजर, कहाँ रहते हैं आप? सामने दुकान। अच्छा, आपकी सामने दुकान है। देखिए सब आसपास के लोग, तीनों दोस्त हैं, तीनों ये सामने रहते हैं, ये ऊपर रहते हैं, ये कहीं और रहते हैं। कहाँ रहते हैं आप? ये सामने बिल्डिंग। आप थोड़ा आगे रहते हैं? अच्छा, ये मस्जिद के पास रहते हैं, इब्राहिमपुर। अच्छा, तो चलिए कितनी अच्छी बात, तीनों दोस्त मिले। तीनों दोस्तों ने कहा कि चलिए हम भी आपके सब्सक्राइबर हैं। तो भाई बता रहे हैं यहाँ पे कुर्ता अपना रेडी हो चुका है और टाइम देखिए ये भी आप बोल रहे हैं यहाँ पे 6:06, यानी ऑलमोस्ट आधा घंटा। तो चलिए रेडी हो चुका है अपना कुर्ता यहाँ पर कंप्लीट, सिलकर और पजामा भी रेडी। ट्रायल ले लीजिए इसको। चलिए तो दोस्तों अपन का हो चुका है रेडी। आप देखिए कुर्ता रेडी हो चुका है, ग्रीन कलर में, सी ग्रीन जो होता है कलर उसमें कुर्ता है, और व्हाइट कलर में अपना भोपाली पजामा, और नीचे है ब्लैक कलर की जूती और सर पे है ब्लैक कलर की टोपी। कैसा लग रहा अपना कॉम्बिनेशन तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा ना। काफी जल्दी में तैयार हो चुका है पूरा सूट और मुझे तो काफी अच्छा फिटिंग आया। काफी सारे लोगों ने कहा भाई हमें 2 घंटे चाहिए, किसी ने कहा 3 घंटे चाहिए, लेकिन सलीम भाई ने
तैयार करवा के अपन को आधे घंटे से थोड़ा सा वक्त ऊपर लगा और रेडी हो चुका अपना सूट। तो भोपाल ने भाई मेरे नज़र में अभी तक तो भाई ने काफ़ी अच्छा बेस्ट काम किया और उनकी टीम जो थी यहाँ पर अपना कुर्ता और पजामा जो तैयार किया अपने अरबाज भाई ने। कितने तैयार कर देते हैं आप एक दिन में? भाई मेरा मेन काम है जैकेट और शेरवानी सूट। अच्छा अच्छा, जैकेट और शेरवानी मोहब्बत में कर दिया मैंने पजामा तैयार। अरे बहुत बहुत शुक्रिया अरबाज भाई का, हमारी मोहब्बत में भाई ने पजामा तैयार किया। और जिन्होंने तैयार किया अपना कुर्ता वो है क्या नाम भाई? सचिन भाई। सचिन भाई कितना तैयार कर लेते हैं दिन भर में आप कुर्ते? 7-8। 7-8 काफी बड़ी बात है भाई, काफी फास्ट काम चलता है। दूसरों के लिए यार भाई अगर 3-4 घंटे भी दें तो सही है। हाँ बढ़िया है, यही था कि स्पेशल अपन का एक ट्रायल बेस पे अपन ने ये काम करवाया था तो काफी कम वक्त में ये चीज कर दी है। और कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन है आपके सामने, कैसे लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो अपन मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।